देवास जनपद के उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह बैस द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। मैं खुद उनके टच में था, कल ही मेरी उनसे चर्चा हुई थी इस संबंध में। 22 तारीख को जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया बड़ी चुनाई का, वो समय उन्होंने 11 बजे का निर्धारित किया था और उसी दिन शिप्रा ब्लॉक की बैठक का भी आयोजन करना है। चूँकि उपचुनाव की तैयारियाँ पूरे मध्वेश की माननीय सज्जन वर्मा जी देख रहे हैं, तो उनको वापस भोपाल पहुँचना है, तो यह केवल चर्चा हुई थी कि अपन समय का एडजस्टमेंट कर लें। पहले अगर 11 बजे देवास की बैठक कम देवास में कर लें और उसके बाद चुरलाय का कार्यक्रम करते हुए भोपाल निकल जाएं, तो उनको एक आध घंटे की बचत हो जाएगी सज्जन भाई को। केवल इतनी सी बात थी, मैं नहीं समझता कि इस बात को कोई बहुत बड़ा बात करना थी। और राजन भाई द्वारा मुझे कहा गया तो कि पहले मेरे यहाँ कार्यक्रम कर लो, तो मैंने कल ही उनको कहा था कि ठीक है पहले 11 बजे कर लेंगे, फिर शिप्रा ब्लॉक की मीटिंग हम कर लेंगे। जब इतनी सारी बातें हो गई थी तो इस तरह से प्रेस में आके गुटबाजी के बयान देना ये सरासर निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हाटपिपलिया विधानसभा में सब लोग एक होकर एक जाजम पर बैठकर सारे कार्यकर्ता पूरी चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कहीं ना कहीं गफलत हुई है। और मैं इस तरह को नकारता हूँ कि सज्जन भाई ने आने से बिल्कुल मना किया, यह सरासर गलत है। कल ही मेरी राजेंद्र सिंह बैस से शाम को चर्चा हुई थी कि ठीक है हम 11 बजे आपके पहले कार्यक्रम कर लेते हैं, और उसके बाद तंवर सिंह चौहान द्वारा जो शिप्रा ब्लॉक का कार्यक्रम रखा गया उसमें चले जाएंगे। इस तरह के से मुझे लगता है कि किसी ने उनको भ्रमित किया है, साजिश के तहत इस तरह के कोई बयान दिलवा रहा है। और मैं निवेदन करूंगा कि सारे कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को विजयशील दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। धन्यवाद।